स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक शेतकरी से, किसान से इंटरव्यू लेने वाले, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों वैसे मैं इस चैनल पर अक्सर न्यूज़ की वीडियोज़ लाता रहता हूँ, लेकिन आज हमें तो खेत में आए हुए हैं और खेत के अंदर जो झेंडू के फूल होते हैं उसके जो किसान हैं उनसे जानकारी लेने वाले कि उनको झेंडू के फूल में क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा होने वाला है और लगाने में कितना खर्चा आया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। चलिए जो किसान भाई है हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे सारी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? संजय सुखदेव मोरे। तो जोर से बोला, संजय सुखदेव मोरे। मोरे साहब कौन से गाँव के आप रहने वाले? हम गोलेगा सिल्लोर तालुके में आता है, अजंता नजदीक है हमको केवस। अच्छा, किस किस चीज़ की खेती करते हैं आप? हम हमेशा बैंगन, मिर्ची, अदरक, ये गेंदा फूल, मतलब जो रेगुलर इस्तेमाल में आता वो वाली मौसम के हिसाब से करते हैं। करते तो गेंदे के फूल जो आपने लगाए कितने एकड़ में लगाए हुए? ये अभी हमारा 3 एकड़ का प्लॉट है, लेकिन अपन जहाँ खड़े यहाँ खाली 30 घंटे 30 बीघा समझो, 1 एकड़ खेती में लागवड है। तो देखा आपने 30 घंटे में इन्होंने गेंदे का जो फूल है वो लगाए हुए, इसको इंग्लिश में मैरीगोल्ड का फूल भी कहते हैं। और इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑरेंज कलर का और एक येलो कलर का। तो हम आपको ऑरेंज भी और येलो भी दिखाएंगे। फिलहाल हम इनसे ऑरेंज के बारे में जानकारी लेंगे। वैसे सेम पीले की भी जानकारी वैसे ही है, लेकिन हम इनसे इनके ज़बानी सुनेंगे। तो मोरे साहब ये इसको आपको कितना खर्चा आया अब तक? इसको करीब समझो एक कर के हिसाब से 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आ ही जाता है, एक कर के हिसाब से 50-60 हज़ार। तो आपने ये खेत के अंदर एक ही अभी फिलहाल एक ही पीक लिया है क्या, 2-3 पीक है इसके साथ में? नहीं ना, हम 2 पीक पे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मार्केट डाउन होता है तो किसानी नाराज होकर पैसा नहीं बनता, वही हिसाब से 2 पीक कभी लिए तो एक में पैसे बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं तो दोनों के लेवल समझो वही हिसाब से 2 पीक हमेशा लेते हैं। तो इसके अंदर तुमने 2 पीक कौन कौन से लिए? अभी अदरक में झेंडू है, अदरक और झेंडू। हाँ, अदरक और पहले अदरक की बुआई कर ली, उसके बाद वो समझो 1 महीने का होगा जब वो अपन दशहरा बोलते वो 80 दिन तक रहा जब गेंदे की लागवड कर दी। तो जब तक अब नजदीकी चाहे फिर आप नहीं जैसा स्टार्ट में वैसे समझो, अभी 80 दिन दशहरा बाकी है जब भी हम लागवड मतलब गेंदे फूल भी अपने गेंदे का फूल लगा दिए तो 80 दिन के बाद उसका ऊपर चालू मिलेगा है ना। वैसे क्या किलो के हिसाब से बिकता है फूल? अब ये मार्केट के हिसाब से अभी तक तो समझो 40 ज़्यादा 70 रुपये हर साल बेच, इनको 40 या 70 रुपये इसका भाव मिल जाता है। तो 40-70 में पूर जाता है क्या? नहीं, हाँ उसमें पूर जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होते है आज जब गेंदा तैयार होता है भाई मौसम खराब हो जाता है तो उतना उपज आती नहीं तो उत्पन्न नहीं होता, वो हिसाब से फिर वो लॉस में है क्योंकि उसको मजूरी वो बहुत ज़्यादा। अभी फिलहाल तो ठीक ठाक दिख रहा है, अभी मौसम तो साफ है, ऐसा ही कभी रहा है तो उसके पैसे। अच्छा, इनका जो तोड़ने की बारी है मतलब फूल निकालने की, कब कितने दिन के बाद आने वाली है? अभी 10 दिन दशहरा बाकी है तो 10 दिन में अपन इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते इसके कुछ मेडिसिनल यूज़ है क्या, मतलब इसको आयुर्वेदिक दवाओं में उसमें कुछ इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसमें क्या है लागवड समझो अपन 4x5 पे या 4x4 पे और जो बीच में का अंतर है वो 2 फुट या 3 फुट खेती के हिसाब से। अच्छा, अब इसको तुम कोई व्यापारी को बेचेंगे या फिर कोई डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करना चाहता तो नहीं, वो भी खरीद सकता है? व्यापारी का भी आए, उन्होंने अपने बजट में मांग लिया तो हम व्यापारी को देते, नहीं तो मार्केट लेके जाते। अच्छा, लेकिन अक्सर हम देखें बड़े बड़े जो शहर है, जैसे हमारा शहर है उसमें 5 बजे के टाइम पर बहुत सारे फूल सड़कों पर यही पड़े हो रहते हैं, ऐसा क्यों? कभी कभी फिर आवक ज़्यादा हो जाती है, हिसाब से आवक के हिसाब से वो फिर उसके वजह से तो हम 2 पीक पे जाते हैं। कभी इसमें पैसा नहीं जमा तो ये हमारा दूसरा सेकंड पीक है, इसका तो आ ही जाता है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपने इसको सड़कों पर ले जाके फेंक दिया, जैसा अभी हरियाणा में ऐसा लहसुन फेंक रहे हो? नहीं, होता है ना, किसान के साथ ऐसा होता ही है। अच्छा, चलो कभी कभी ऐसा है, सब लोग एक पीक के पीछे लग जाते हैं, मार्केट में सब ज़्यादा फूल आ जाते हैं, कभी कभी यही फेंक देना पड़ता है खेती। अच्छा, इसके अंदर मतलब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपने निकाल के फेंक दिया उसको, कभी हुआ कैसा? हाँ, एक बार हुआ था 5-6 बरस पहले,
तो उसमें जब कितना नुकसान होता आपको? नुकसान फिर एकड़ के हिसाब से 50,000, तीन एकड़ तो रहता ही। अच्छा, 1.5-2 लाख का लॉस हो ही जाता है। 1.5-2 लाख का लॉस हो ही जाता है। तो उस टाइम पर सरकार ने मदद करी थी या नहीं? नहीं, इस पे कुछ ऐसा अनुदान नहीं है ना। अच्छा, हाँ, ये वो हिसाब से फिर अपन तलाटी को मांग भी नहीं सकते। अच्छा, वो आपने रिक्स पे लगाना। हाँ, ये आपने रिक्स। तो ये जो मैरीगोल्ड का जो खेती होती है, अक्सर इसको सरकारी अनुदान नहीं है, मतलब सरकारी ग्रांट कोई भी नहीं मिलता। जो भी रिस्क लेना है, शेतकरी खुद लेगा, किसान खुद रिस्क लेगा, तभी उनको फल या फायदा मिल सकता है या नुकसान उनको सहन करना पड़ता है। मोरे साहब बता रहे कि इनको आज से 4 या 5 साल पहले ऐसा हुआ था, उन्होंने वो फल लगाया, गेंदे का फूल लगाया और उसको खेत शहर तक लेके ही नहीं गए बेचने के लिए, यहीं फेंकना पड़ा क्योंकि भाव उसका कम होगा था। तो उस टाइम पे कितना भाव कम हुआ था उसका? उस टाइम में समझो 10-15 रुपए, फिर वो मजूरी यहाँ से भाड़ा। अच्छा, फिर वो समझो लेवल ही चलता था, लेवल से बेहतर यही जगहों पे उसका हमने ऐसा खड्डा बनाया, उसमें समझो गाड़ दिए, फिर वो खाद के लिए तैयार हो गया। अच्छा, इसको जानवर खाते कि नहीं? नहीं, जानवर नहीं खाते, अपन खाद बना सकते हैं। बस खाद में इसका इस्तेमाल है, तो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनेगा? नहीं, उतना ही नहीं रहता, फिर भी जो नुकसान हो रहा है वो न होने की वजह से वो तो भी ठीक है भाई। अच्छा, जो किसान जो रोडों पे फेंक दे रहे, मतलब अभी हरियाणा में, यूपी में, इधर उधर देखने में आया कि लहसुन को रोडों पे फेंक दिए, जबकि अपने महाराष्ट्र में उसका भाव ज़्यादा है, तो वो किसानों के वास्ते कुछ बोलेंगे आप? नहीं, मेरा तो सोल्यूशन यही है, फिर क्या है, जो बड़े बड़े प्लॉट फार्म है आपके मुर्गिया के, उनको तो उनको दे दिए कम भाव में। अच्छा, वो रख लग सकते हैं, नहीं तो फिर ये तो गोबर बना ही सकते हैं अपन। हाँ, मतलब खाद इस्तेमाल कर सकते। हाँ, खेती में। मतलब इनका कहना ये है कि अगर आपको नुकसान भी हो रहा है या भाव भी कम मिल रहा, तो उसको सड़कों पर फेंकने के बजाय उसको आप पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गी के जो फार्म होते हैं उनको दे दे, वो उनके जानवरों को या मुर्गियों को खिलाने में काम में आ जाएंगे, या फिर खुद खत बना के उसको खेतों में डाल सकते हैं। इस तरह से मोरे साहब हमारे साथ कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अदरक की। अदरक में नुकसान कितना, फ़ायदा कितना, बता सकते हैं आप कुछ? नहीं, अदरक को समझो अभी 2 साल से तो फिलहाल डाउन ही है, बस जो लगा रहे हैं उतने ही पैसे बन जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा उसको 1500 रुपये दर मिल रहा है क्विंटल। तो अदरक को सरकार कुछ अनुदान दे रही क्या? नहीं, इसको भी कुछ सरकार की तरफ से कुछ अनुदान नहीं। फिर सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, 2000 रुपये अकाउंट में आ रही है, तो फिर तो आम शेतकरी को, किसान को कोई फायदा होते हुए दिख रहा नहीं, फिर कैसा? नहीं, उनका तो ठीक है, वो देते हैं, लेकिन उसमें 6000 में क्या होगा? अब किसानी मजूरी इतनी बढ़ गई, 350 रुपये ये किसान को देना पड़ रहा है हर रोज, हर पर डे पर डे। और इसको पानी के लिए खुद का पानी है या किसी मोल लेके डालना है? नहीं ना, जब ये पीक कैसे ज़्यादा पानी लगता है इसको, इसके आपके पास ऐसा उत्तम पानी हो, जब भी आप इसकी लागवड़ कर सकते हो, क्योंकि ये मार्च अप्रैल तक चलने वाला पीक है। तो कुआ खुद का है फिर आप? हाँ, कुआ कितना पुरस खुदा हुआ? वो 9 पुरस है। अच्छा, एक पुरस में कितने फीट होता? 7 फुट। इनका जो कुआ है 9 पुरस खोदा हुआ है इधर। दोस्तों, पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आप है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जा सकते हैं, उसी के साथ साथ अनीस भारती सर्च करके यूट्यूब पे, आप अनीस भारती सर्च करके उस इंटरव्यू को पूरा देख सकते हैं। और आप हमें तो देख लेते हैं झंडू के जो खेती है उसके वीडियोज़। सामने से ऑरेंज कलर में जो ये ऑरेंज रंग के झंडू के फूल है और पीछे से येलो कलर के झंडू के फूल है, वीडियो में आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।